नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है विलेज एरिया फार्मिंग। और दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को मछली पालन से रिलेटेड IMC के 10 लाख जीरा साइज के बच्चे के बारे में, ये चौथी वीडियो है होने को जा रही है। आपको पहले महीने में क्या खिलाना है, दूसरे में महीने में क्या क्या आपको कैसे कैसे खिलाना है, सुबह कितना देना है, शाम को कितना देना है, कितना डोज रहेगा, कितना, हर एक चीज के बारे में हमने इसके वीडियो में कवर किया था। तो आज की वीडियो जो है आपका 1 महीना जीरा साइज रखे हुए, फिर 2 महीना रखे हुए, ये जो है तीसरे महीने से आपको क्या खिलाना है, आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, उसके बारे में ये वीडियो होने जा रही है। तो जो भाई लोग पिछली वीडियोस ना देखे हो, प्लीज जो है वीडियो को जाके देखिए और वॉच करिए, क्योंकि ये चौथी वीडियो है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज जो है वो सब वीडियो देख करके आप जो है चैनल पे फिर से ये वीडियो को देखिएगा, ताकि अच्छे ढंग से आपको समझ में आए। अभी हम बच्चे का वीडियो बना रहे हैं, जो बच्चा स्टैंडर्ड साइज का हो जाता है, 100 ग्राम, 50 ग्राम, और 1 साल पुराना बच्चा रहता है, ताकि वो अच्छे से आपका बड़े तालाब में जब जाता है तो अच्छे तरीके से ग्रोथ भी करता है। तो उसके बारे में ये सब वीडियो बना रहे हैं हम। तो प्लीज जो है पिछली वीडियो आप लोग देख आइए, उसके बाद ये वीडियो आप देखिए, ताकि अच्छे ढंग से आपको समझ में आ सके। ये जीरा साइज का बच्चा होता है जो IMC मतलब इंडियन मेजर कार्प, जैसे कि रोहू, नैन, कतला, ग्रास, ये तरीके की मछली के बारे में है। और ये मछलियों का हम पिछला वीडियो जो बना चुके हैं वो 1 महीना और 2 महीने में क्या खिलाना है वो हो चुका है। ये तीसरे महीने से जो है क्या खिलाना है आपको वो हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जो भी भाई लोग नए आए हो चैनल पे, प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम बना के आप सभी को दिखा सकें। चलिए दोस्तों, हमने एक रफ के माध्यम से इसको जो है लिख लिया है कि आपको, जैसे कि आपका 15,000 स्क्वायर फीट का तालाब है जिसमें आपने 10 लाख जीरा साइज का बच्चा इसमें स्टॉक किया हुआ है, और इसका 3 फीट पानी का लेयर है। ये सब हमने पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया था, फिर से दोहरा रहे हैं जो भी भाई लोग भूल रहे होंगे। तो आपको इसमें क्या करना है, एक यहाँ पोल गाड़ना है। पोल मतलब एक बांस का, एक लकड़ी का पोल गाड़ दीजिए, यहाँ पानी है मान लीजिए और किनारे पे यहाँ आप गाड़ दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए अगर वीडियो को, ये यहाँ आप लगा दीजिए और एक जो है यहाँ आप पोल गाड़ दीजिए, एक यहाँ पोल गाड़ दीजिए। ये बच्चे को अच्छे तरीके से आपको सिखा रहे हैं कि ताकि आपका बच्चा अच्छे ढंग से तैयार हो जाए। और क्या खिलाना है इसको हम बताएंगे आपको। ये चारों पोल आप 2 महीना, जब आपने जैसे जैसे बताया था हमने पिछले वीडियो में, आपने खिला रखा है, तो आप इसके आगे ये सब आप करेंगे, फिर नेक्स्ट डे से आप इसको करना है आपको, चारों कोने पे जो है आपको एक एक पोल अच्छे ढंग से गाड़ देना है। और इसी में ही आपका फीडिंग आके जो है बैग फीडिंग कराया जाएगा। वो कैसे कराया जाएगा और क्या क्या मिला के कराना है वो सब हम बताने जा रहे हैं। तो जैसे कि ये फीडिंग आपका पोल लग गया है, तो जो जूट का बोरा आता है, ना कि प्लास्टिक का, क्योंकि प्लास्टिक उसमें सड़ती है पानी में रहते रहते, और जब वो मछलियां खाना अपना खींचेंगी तो प्लास्टिक भी उनके पेट में चला जाता है, ताकि वो अंदर ही अंदर डेड हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्लास्टिक वाला मत यूज करिएगा, जूट वाला रहेगा तो वो आराम से, कोई दिक्कत उसको नहीं होती है, वो सड़ के नीचे चला जाता है, वो खाद भी हो जाता है, अगर मुंह में भी चला जाएगा तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा मछलियों में। ठीक है, आप ये सब करिए। अब इसको फीडिंग में क्या देना है आपको ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारा ये तीसरे महीने से इसको फीडिंग देना है, तो इसमें रहेगा सामान हम बता दे रहे हैं, और कैसे इसको खिलाना है वो ध्यान से देखिएगा। पहला रहेगा आपका सरसों का खल, चावल का जो है पॉलिश, तीसरा जो है आपका मक्का मिल जाए तो ठीक है, या बाजरा, इसका दर्रा चाहिए, और ये तीनों बराबर मात्रा में रहेगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे ये आपने तीनों चीज ले लिया है, अब इसकी मात्रा कितना रहेगा। ये सरसों की खली आप ले लीजिए 5 kg, ध्यान से देखिएगा, ये चावल ले लीजिए आप 5 kg, ये मक्के का दर्रा या बाजरा का दर्रा, दर्रा मतलब जो आटा होता है, जो जिसको पिसान बोलते हैं
उसका जो है एक दाने में दो चार दाने टुकड़े हो जाते हैं, उसको दर्रा बोलते हैं। इसको आप ले लीजिए 5 केजी, ठीक है। और हर केजी, जैसे 5 किलो सरसों की खली ले रहे हैं, इसमें आपको 20 ग्राम नमक, 20 ग्राम इसमें नमक, सेम इसमें, सेम इसमें, तो कितना हो गया 20 60 ग्राम नमक। एक केजी पे 20 ग्राम नमक के हिसाब से 15 केजी पे 60 ग्राम नमक आप इसको एक किसी बर्तन में मिलाएंगे, तीनों चीजों को इसमें मिला दीजिए तीनों, और नमक को इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको शाम को भिगो दीजिए, सुबह से जो है इसको अप्लाई करेंगे। इसको किस तरीके से करेंगे अप्लाई, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, इसके आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। ये तीन चीज जब आपका हो गया है, 5-5 केजी हमने आप फर्स्ट डे इसमें डालने की कोशिश करेंगे, और कैसे पता चलेगा कि मछली खाई है कि नहीं खाई है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने ये 5-5 केजी तीनों चीज ला के इसमें डाल दिया है, मिक्स कर दिया शाम को, और सुबह जो है इसको नमक भी इसमें इंक्लूड कर दिया। सुबह जो है अब इसमें चारों में बराबर मात्रा में इस जो जूट का बोरा इसमें हम लोग टांगेंगे, बराबर मात्रा में जो है इसमें देना है। तो इसमें से 4 भाग कर लेंगे ऐसे करते हुए, और एक एक बोरे में जो है जूट के बोरे में रख करके उसको भर करके, और बोरे को नीचे से, जैसे ये मान लीजिए आपका बैग है, तो यहाँ नीचे की तरफ लगभग 25 से 30 छेद किया जाएगा, लगभग ये मान के चलिए जो ये मार्कर पेन है इतना बड़ा होल, मतलब फिंगर का उंगली जो होता है वैसा होल जो है, जिसमें 25 से 30 ऐसे ऐसे करते हुए नीचे की तरफ छेद कर दिया जाएगा, ताकि यहीं फीडिंग आए और मछलियां यहाँ अपना मुंह लगा करके उसको खा सकें, ठीक है। ऐसा ये आपका बोरा हो गया, यहाँ पे छेद हो गया, आप इसमें बराबर हर चारों बोरे में जो है आप बराबर मात्रा में आपने इस फीडिंग को भर दिया है, और एक एक बोरा ले जा करके सभी जगह इसको टांग दिए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये चारों जब टांग दिए हैं, तो अब जो है आपको देखना है इसको कि ये फीडिंग कितने दिन में खत्म कर देती हैं। हमने बताया था कि 5 केजी तीनों चीज आपने लिए हैं, लगभग 15 किलो आपका फीड हो गया। अगर ये एक दिन में ये खत्म कर देती हैं पूरा खाना, तो हमको अगले बार से जो है 6-6 केजी भरना है। एक ही दिन में खत्म नहीं होना चाहिए खाना, बस ये समझ लीजिए। तो अगर 6-6 केजी अब तीनों भरे हैं तब भी खत्म कर दे रही हैं, तो फिर 7-7 केजी भरना है, ऐसे करते हुए जब तक आपका फीडिंग 2 दिन तक ना चले, 2 दिन लगातार 2 दिन तक इस बोरे में भरा रहना चाहिए, वो खाती रहे उसी में खत्म, मतलब 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि 2 दिन के बाद हो जाए, 2 दिन तक ये खाती रहे, तीसरे दिन हमको फिर से रिफिल करना पड़े। उतना डोज बराबर बना के आप डालते रहिए चारों में, और अपना मछली आराम से ग्रोथ करते रहिए। अब ये नहीं है कि इसमें IMC में कितना परसेंटेज देना है, बॉडी वेट का क्या देना है, ये सब कैटफिश कैटेगरी की होती है, जैसे पंगासेस हो गया, मांगुर हो गया, सिंगी हो गया, ये तरीके की मछली को दिया जाता है। ये IMC मछली होती है, इसको चाट के हिसाब से नहीं खिलाया जाता, इसीलिए होम मेड खाना बना के आप इसको खिला रहे हैं। अगर आप जोड़ेंगे इसका प्राइस तो बहुत लगभग 20-22 रुपये केजी ही इसका पड़ेगा, और ये मछली अगर 3 केजी आप खिला देते हैं 1 केजी हो जाती है, लेकिन अभी ये नहीं होगी, अब क्योंकि हम इसमें हाई डेंसिटी में बच्चा रखे हुए हैं, हम बच्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि इसका बॉडी वेट का वजन लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये 5-5 केजी 15 केजी में मतलब खाने में इनको 2 दिन लग जा रहा है, तो परफेक्ट है, ऐसा खाना इसको दीजिए कि 2 दिन तक आप इसका फीडिंग डालने के 2 दिन तक ही चले, उसके बाद तीसरा दिन ना लगे, तीसरे दिन फिर से रिफिल करिए, फिर 2 दिन चले, फिर चौथे दिन, मतलब फिर 2 दिन बाद करिए, फिर जो है 2 दिन तक चले, ऐसा इनका साइकिल बनाना चाहिए आपको। तो ये रहा, हमने आपको ये 4 वीडियोज में बताया है कि 10 लाख बच्चा जीरा साइज का कैसे आप पालन करेंगे, तालाब प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे फीडिंग कराएंगे, पहले महीने में क्या कराना था, दूसरे महीने, सब वीडियोज बना ही चुके हैं आप, पिछली वीडियोज हमारा देखते हुए आप ये 4थी वीडियो आप देखिए। और हाँ, उसके बाद हर महीने आप 30 तारीख को जो है जाल चलाते रहिए, तो फिर देखिएगा आपका बच्चा इतना स्ट्रांग होगा, उसका बॉडी, उसका जो हड्डी, उसका बोन्स, उसका बढ़वार, जब नए तालाब में आप जहां भी ये बच्चा आप सेल आउट करेंगे या फिर चाहे जो करेंगे, कहीं भी शिकायत नहीं आ सकती, ये हम कई बार कई वीडियो में बता चुके हैं।
और दोस्तों जिसको भी जीरा साइज का बच्चा लेना हो प्लीज जो है स्क्रीन के दिए गए नंबर पे हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हम तीनों माध्यम से आपको आपके यहाँ तक पहुंचा सकते हैं, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, तीनों तरीके से हम इन बच्चों को ऑल इंडिया ओवर डिलीवरी देते हैं। तो दोस्तों ये था IMC का पूरा कल्चर, आपको हमने समझा रखा कि कैसे आपको ये करना है। और ये बच्चा पूरा आप मानते हैं मई में आप स्टॉक करेंगे तो आप नेक्स्ट 25 फरवरी के बाद जो है इसको बड़े तालाब में आप बड़े आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब वीडियो आपको कैसी लगी, हम आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और दूसरे टॉपिक बनाएंगे, क्योंकि ये जीरा का आज हमने जो है बता ही दिया है, इसके आगे का प्रोसेस हम बताएंगे जो बड़े तालाब में आप शिफ्ट करेंगे वो सब कैसे करेंगे। तो जो भाई लोग नए आए हैं प्लीज जो है सब्सक्राइब करें और चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हमारी जब वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए पहले मिले और आप उसको अच्छे ढंग से जो है वॉच कर पाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।